गाइज वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड फाइनली मेरा नवमी का व्लॉग और दसवीं वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा एंड इतने सारे कमेंट्स थी, आप कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे, हम डर रहे थे, ये वो, आप कोई अपडेट तो दे देते। एक्चुअली मैं तबीयत मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड अपडेट देने जैसा टाइम ही नहीं था। जैसे समझ लो मैं बिस्तर पे ऐसे पड़ गई थी ना कि मत पूछो। अभी इस टाइम पे भी मैं मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, बट हाँ इतना है कि मैं आप लोगों से कम 2 मिनट बात कर सकती हूँ। और जब मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत वीकनेस लग रही। इवन अभी मैंने मेरे बाल सुलझाए, चोटी डाली, ठीक है। आपको मैं वो एक क्लिप यहाँ पे लगाऊंगी, देखना, मेरे इतने सारे बाल टूटे हैं बिकॉज वीकनेस ओवरलोडेड हो गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं दी ध्यान रखो अपना, आप ध्यान नहीं रखते हो अपना। ऐसा नहीं है, मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। मे बी शायद मैं इतना झेलने लायक हूँ नहीं जितना झेल लेती हूँ, और फिर बीमार में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाती हैं, तो इसलिए जल्दी से ठीक नहीं हो पाती हूँ। क्या होता है, अगर आपको फीवर है तो फिर आपको प्रॉपर एक रेस्ट लेना चाहिए एंड दवाई वगैरह टाइम से लेनी चाहिए। बट मेरे साथ क्या, 2 बच्चे हैं, चाहे मुझे फीवर रहे, चाहे मेरा पेट दर्द दे, चाहे मुझे कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या रहे, मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनमें आपको परेशान होना पड़ता है। सिंपल इज दैट कि उनका काम बस नहीं होता है, उनकी और भी चीज़ें होती हैं जो आपको संभालनी पड़ जाती हैं एंड आप फिर इतने जल्दी ठीक नहीं हो पाते हो, है ना। सो अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, मन करा कि थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना लॉन्ग रहेगा, छोटू सा भी रहेगा ना तो भी मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग मिलते रहें, क्योंकि आप लोग इतनी फिक्र करते हो ना मेरी कि मेरा बस दिल खुश हो जाता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि है कोई जो मेरी फिक्र करेगा। बाकी मैं बस यही बोलूँगी कि कोई किसी का नहीं होता, आप खुद अपने होते हो, ठीक है। कोई सिंगल पर्सन भी आपका नहीं होता है, आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको अकेले डील करना पड़ता है। मैं भी इस टाइम पे वही कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों से अकेले डील कर रही हूँ। मूड स्विंग्स होते हैं या कुछ भी होता है, गुस्सा आती है, रोना आता है, या चिल्लाने का मन करता है, या कुछ भी होता है, तो आपको अकेले डील करना पड़ता है, और करती भी हूँ। और मुझे कोई भी इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ कई बार। सो बस अभी मैं चाय पीऊँगी। मैंने अंजलि को बोला बेटा थोड़ी सी चाय पिला दे, और क्योंकि सर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ठीक कुछ नहीं हो रहा है। अब बस तैयार वैयार होने का मन नहीं था, बस मन कर रहा था अच्छी चोटी बांध लूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया था। नवमी वाले दिन ना मैंने शर धो के नहाया था, तो उसी दिन मैंने बाल, नवमी वाले दिन बाल धोए, उसके बाद बाल नहीं धोए। कल फ्राइडे भी निकल गया तो मैंने फ्राइडे को भी व्रत वगैरह नहीं रखा बिकॉज इतना ज़्यादा फीवर था कल कि व्रत नहीं रख पाते। उनकी पूजा में बहुत टाइम लगता है, पूजा में उतना बैठना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, आँखों के सामने ना अंधेरा छा रहा था, तो उनकी जो बुक पढ़नी पड़ती है, तो अगर मैं पूजा ही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊँगी तो व्रत रखने का भी सवाल नहीं उठता, बस इसीलिए व्रत नहीं कर पाई। और आज मेरा काफ़ी टाइम इस रूम में निकला है, तो ये रूम बेड सीट वगैरह भी मैं झटकार दूँ, उसके बाद मैं अंजलि को बोलूँगी कि अंजलि इस रूम में थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा दो, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ अगर मैं बेडरूम में हूँ तो वो वहाँ पर फैलाते हैं, अगर मैं इस रूम में हूँ तो वो इस रूम में फैलाते हैं। दीपावली बिल्कुल सर पर है, बहुत सारे काम है, मेरी बेटी का बर्थडे है इसी मंथ में, कितनी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, कितने सारे काम हैं एंड मैं इसे पढ़ी हूँ। कोई भी नहीं चाहता यार ऐसे रहना, बस हालात आपको ऐसे रख देते, कर देते हैं कि आपको ऐसे बैठना पड़ता है ना। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या, मेरी ये जो तकिया है ना, मतलब क्या होता है कि मैं ऐसे खड़े करके रख लेती हूँ तो पूरी मुड़ जाती है, और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे ऊंचा सर रखना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ऊंचा जूड़ा जनाना अच्छा लगता है ना, ऊंचा जूड़ा बनाती हूँ। यहाँ पे आ गई है मेरी चाय, और ये जो कप है ये बहुत सुंदर कप है, मैं आपको ना लास्ट में इसका डिज़ाइन दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं चाय ही पी रही थी, इतने में बाबू आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो आना ही था, उनको जल्दी आ जाते हैं, अभी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है तो 5:30 बजे तक आ ही जाते हैं।
फोन ही चला रही थी, मैं उन्हीं को कॉल करने वाली थी थोड़ी देर में, बट इतने में उनकी आवाज़ आ गई। तो सिंपल सी बात है, फिर मैं इस रूम में नहीं रह सकती हूँ, उनके साथ बैठना पड़ता है। भले ही मैं चाय पानी उनको दूँ या ना दूँ, पर उनके पास बैठ जाऊँ ना, वही बहुत अच्छा लगता है। सो बस यहाँ से उठ के मैं आपको सबसे पहले अपना कप दिखाने वाली हूँ। कप बहुत सुंदर है एंड सीरियसली गाइज, आप लोगों को पसंद आते हैं ये मेरे लिए और भी बड़ी बात है। चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा बैठे इनके पास, फिर हमने सोचा चलो मसाला तैयार कर लेते हैं। आज ना मसाला वाली बैगन है ना, वो खाने का मन कर रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं तो परहेज का खाना खा रही हूँ, दाल वगैरह, लेकिन एक होता ना कि पक गई हूँ, 10 दिन से कंटिन्यू वही खा रही हूँ। वायरल था तब भी खिचड़ी दाल यही खा रही थी, मतलब 1 महीना होने को आ गया है, काफ़ी साधारण सा खाना खा रही थी। तो अभी पक गई हूँ, अभी ऐसा लग रहा था थोड़ा सा मसाले वाला कुछ खा लूँ। तो बाबू ना अभी रास्ते से छोटे छोटे बैगन लाए, उनको मिल गए, तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं बैगन की सब्ज़ी बनवा लूँ और दाल के साथ थोड़ा सा खा लूँगी तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मतलब समझ में नहीं आता, जब हालत नहीं होती तो काम क्यों जा रही थी? मैंने परसों भी जा रही थी तो कब मैंने मना किया कि दिन दे है, दो दिन आराम कर। हम क्या करें पापा, सुमंस और मिशिका के लिए कुछ ऑर्डर किए थे कपड़े, तो अभी मंस का ये कुर्ता आया तो मैंने कहा सर चलो इसको देखूं तो ये कैसा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कुर्ता है, बहुत सुंदर लगा मुझे एंड बहुत अच्छे प्राइस पे आया था। पूरा सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ना तो एक हॉल वीडियो बना दूँगी, ताकि अगर आप लोग भी अपने बच्चे के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो आसानी से। और बस यहाँ पे मैं ये भी देखती जा रही थी, साथ में यहाँ पे मेरी हो गई है सब्ज़ी तैयार, बैंगन की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मतलब इतने दिन बाद ना कोई कोई ऐसा यमी यमी खाना जो उसको पसंद हो ना वो मिल जाए ना, तो सच में उसका मुंह में पानी आ जाता है, जैसे अभी मेरे आ रहा है। सैटरडे को बना था यार, आज तो संडे है। सो गाइस, देखा आपने मैं कैसे बैठे बैठे काफ़ी काम करती हूँ। आज तो मैंने मिशिका को होमवर्क दोपहर में ही करवा दिया था, बिकॉज आज सैटरडे था और सैटरडे के डे जब भी मिशिका स्कूल जाती है उसके बाद होमवर्क उसको बहुत कम मिलता है, इस टाइम पे उसकी जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगती हैं। तो अदरवाइज अदर डेज से अकॉर्डिंग तो कि भाई संडे को छुट्टी है तो होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिले, और ऐसा नहीं होता है। तो काफ़ी टाइम तक मैं उसको पढ़ाती बढ़ाती रही और बैठे बैठे यहाँ पे भी काफ़ी सारे काम मैं कर लेती हूँ, और बस वीडियो नहीं बना पाती हूँ। आज मैंने वो भी दिखा दिया आपको कि इस टाइम पे मैं काम कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, एंड और भी जैसे चलने फिरने वाले काम भी करती हूँ। मुझे ऐसा कोई बेड रेस्ट नहीं दिया गया है, पर हाँ ये बोला गया है कि जैसे कि आप अपनी बॉडी को थकाइए नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सो मुझे अपनी बॉडी को थकाना नहीं है। एक होता ना कि मन नहीं है काम करने का और अपने आप को आप ढकेल रहे हो तो फिर वो दिक्कतें होती हैं। किस्मत अच्छी ये है कि अंजलि वगैरह रहती हैं तो मुझे काफ़ी सहूलियत मिल जाती है काफ़ी सारे काम में, तो इसलिए मुझे नहीं भी करना तो नहीं करना वाला सिस्टम हो जाता है। कल कुछ तो मैं काट रही थी तो देखो कितना बड़ा घाव लग गया, मंच ने हिला दिया तो खूब सारा खून निकला था। और गुप्ता जी हैं, उन्होंने बोला है थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, आपकी तो हड्डियां दिखने लगी हैं, प्लीज़ थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अभी इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी बीमार थी कि मतलब बहुत ज़्यादा, कोई थोड़ी बहुत नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत सीरियस तबीयत ख़राब थी। कोई ऐसी तबीयत ख़राब थी, एक पानी भी पचाना मुश्किल हो रहा था, पानी भी नहीं पी पा रही थी, और इतनी वॉमिट के आप सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल पे जाके वॉमिट हो रही थी, किस लेवल पे वीक हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। 1 मंथ पूरा निकलते हुए जा रहा है, पहले वायरल हो गया फिर उसके बाद ये तबीयत ख़राब हुई। तो फिर आप कहाँ से उम्मीद लगाते हो कि सामने वाला मोटा दिखेगा। दूसरी चीज़, मैं पहले से पतली हूँ तो अगर मैं इतनी सी भी दुबली और होती हूँ ना तो और ज़्यादा दुबली लगने लगती हूँ। सेकेंड चीज़, ये जो है ना, ये जो आप हड्डियाँ जिनकी बात आप कर रहे हो कि गर्दन की जो हड्डियाँ दिखती हैं, ये मेरी पहले से उभरी हुई हैं। मैं कितनी भी भर जाऊँगी ना, ये इतनी ज़्यादा निकली हुई हैं ना कि ये कभी भरी हुई दिखेंगी नहीं। जब मैं लाइक 70-80 kg की होंगी शायद ये तब ढक जाएंगी, क्योंकि ये इतने ऊपर हैं, ये जो देख रहे हो ना ये बहुत ऊपर है। तो किसी किसी की होती हैं, तो आई थिंक इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए कि यार बंदा
वीडियो में क्लियरली बोल रहा है वो बीमार है इसीलिए 8 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे बोल के डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। सो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुबली दिख रही हूँ और आप लोगों की कंसर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट समटाइम आई फील कि यार आप लोग समझते नहीं हूँ, मैं दुबली हूँ मुझे पता है, मैं दुबला गई हूँ ये भी मुझे पता है, पर वो सब बोलने से बेहतर है कि आप गेट वेल सून या हम आपके लिए दुआएं करेंगे, गॉड ब्लेस यू, कुछ ऐसा लिखो जिससे मुझे अच्छा लगे, ना कि देख के और बुरा फील हो, मुझे क्या नहीं दिख रहा कि मैं दुबली हो रही हूँ। ओके, अच्छे अच्छे कमेंट्स होने के बाद साथ साथ ये भी कमेंट्स थे कि आपको ना आपके माँ बाप की बद दुआएँ लग रही हैं, आपकी बहनों की बद दुआएँ लग रही हैं। सो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ, उनकी बद दुआएँ मुझे लगती रहें अगर माँ बाप की बद दुआएँ लगती हैं तो, और अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो माता रानी आपकी दुआ कबूल कर ले, माँ बाप की तो पता नहीं पर आपकी दुआ कबूल कर ले, मुझे कुछ हो ही जाए ताकि आप लोगों के कलेजे पे थोड़ी सी ठंडक मिल जाए जो इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है इर्द क्या चल रहा है, गिर्द क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, बस उनको नेगेटिविटी फैलानी है। ऐसी हालत में भी आपको नेगेटिविटी फैलानी है, आपको ये भी नहीं देखना कि सामने वाले के 2 बच्चे भी हैं। और मैंने बहुत करीब से मौत को देख लिया है, बहुत करीब से, मुझे हर दिन मैं रात में बोल के सोती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा और कैसे सब कुछ ठीक होएगा, क्या होगा क्या होगा, आज भी बोल के सोती हूँ। सो इतना करीब से सब कुछ देख रही हूँ, अगर माँ बाप बद्दुआएं देते हों, उनकी बद्दुआएं लगती हैं तो ठीक है, लग जाने दो उनकी बद्दुआ, आप अपना मुंह ख़राब क्यों कर रहे हो, उनको बद्दुआ देने दो, हमें बद्दुआ लगने दो, ना आप उसमें कोई गुनहगार हो, जो बद्दुआ दे रहा है वो निर्दोष है, जो बद्दुआ ले रहा है वो दोषी है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हो, मत पड़ो प्लीज़ बीच में, और बच के रहो इन चीज़ों से जितना हो सके उतना। और मैं कहती हूँ कि उनकी अगर ये सारी बद्दुआएं हैं तो उनकी लगती रहें, हमें बद्दुआएं, हमें कोई ऐतराजी नहीं है, हम तो यही सोचते हैं, हम हमेशा भगवान से बोलते हैं कि आपके घर में इंसाफ है, मैं इंसाफ करने वाली कोई नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो मेरे साथ भी गलत होएगा, अगर सही हूँ तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, भले ही और ये होता है मैं परेशान होती हूँ पर पराजय कभी नहीं होती हूँ, इसीलिए मुझे अभी भी यही लगता है कि मैं परेशान तो हो सकती हूँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने साल भर 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन पराजय कभी नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा सच कि मैं कितनी सही और कितनी गलत हूँ। आई रियली होप गाइज कि आप लोग आज मुझे इतना स्ट्रांग देख के खुश हो रहे होंगे जो मुझे प्यार करते हैं, और जो हेटर्स हैं जो मुझे बोल रहे थे बद्दुआ एंड ऑल, सो उनको तो मैं बस यही बोलूँगी आप चुप रहो ना, तमाशा देखो, ये अभी तमाशा ही तो चल रहा है, मेरी तबीयत खराब है, इससे बड़ा तमाशा आपको क्या मिलेगा देखने को कि पल पल कोई मर रहा है, आप उसका तमाशा देखना ठीक है। फिर ओम शांति लिख के जाना मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपको वो मौका मिलता है तो, अगर अभी लिखना है तो कोई बात नहीं अभी भी लिख सकते हो, क्योंकि कम से कम ओम शांति पढ़ के आप काम अपने आप को थोड़ा सा मतलब काम डाउन तो कर पाओगे, है ना। चलो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और मुझे प्यार करने वालों को तो मैं बस यही बोलूँगी ढेर सारा प्यार, आपको भी ढेर सारा प्यार, सीरियसली ढेर सारा वाला प्यार।